बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के करीब 90,000 पदों पर भर्तियां होनी हैं। दरअसल कोर्ट में चल रहे कई लंबित मामलों की वजह से यह भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं। लेकिन अब इन भर्तियों के लिए इंतजार अब खत्म होने वाला है। अगले माह तक कोर्ट से क्लियरेंस मिलने की संभावना है। अगर कोर्ट का आदेश भर्तियों के पक्ष में आ जाता है तो शिक्षा विभाग इन अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति पत्र दे देगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में कुल 90,000 भर्तियां होनी है। इसमें माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में 30,000 तो मध्य में करीब 60,000 शिक्षकों की नियुक्तियां होनी है। सरकार ने जुलाई 2019 में करीब 1.25 लाख शिक्षकों की भर्तियां प्रक्रिया शुरू की थी। उसके तहत प्रारंभिक स्कूलों में रिक्त 94,000 और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की 30,020 पदों पर नियोजन शुरू हुआ था। कई बार विभाग ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, लेकिन अभ्यर्थियों की विभिन्न आपत्तियों के कारण मामला कोर्ट में चला गया और इन मामलों में कोर्ट का निर्देश की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया लंबित खींचती चली गई। अब प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। कोर्ट के आदेश के अनुसार पहली से पांचवी कक्षा के करीब 35,000 शिक्षकों की नियुक्ति DELED और BEd अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। विभाग ने इसको लेकर आदेश दिया था। कोर्ट के आदेशानुसार पहली से पांचवीं कक्षा तक के शिक्षकों की बहाली एक DELED और BEd योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट लिस्ट सभी जिलों के वेबसाइट पर अपलोड होनी थी। इसी तरह प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की अंतिम सूची भी जिलों में NIC के वेबसाइट पर 28 नवंबर तक ही अपलोड करने के आदेश दिए थे। हालांकि मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। अभी कोर्ट का आदेश आने के बाद ही कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दिसंबर में इस मामले पर सुनवाई होनी है।